हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। गाइस, आज के वीडियो पे हम चर्चा करेंगे क्यूब एंड एल एन बी बारे में। तो गाइस, क्यूब एंड एल एन बी यानी छोटे डिश का, 2 फीट डिश, 3 फीट डिश का जो छोटे छोटे डिश होता है, उस पे आप कौन से एल एन बी यूज़ करेंगे अच्छे बेटर क्वालिटी के सिग्नल प्राप्त करने के लिए। तो गाइस, हमारे पास खास करके हमने चूज़ करके लाया है कुछ अच्छा क्वालिटी की क्यूब एंड एल एन बी जो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा और इसके प्राइस भी काफ़ी लो है। ओके, तो गाइस आपको इस वीडियो एंड तक देखना है और ज़रूर इस वीडियो पूरा देखने के बाद अगर पसंद आ गया तो गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नीचे रेड कलर की सब्सक्राइब बटन है, उसके बाद घंटी बटन को टच कर देना और आपको इस वीडियो के एक लाइक भी कर देना। तो गाइस, आज की वीडियो पे जो हमारी सब्जेक्ट है वो है क्यूब एंड एल एन बी। तो आपके पास छोटा मोटा डिश हो सकता है और आप उसको घुमा फिरा कर किसी भी सैटेलाइट को ट्रैक करके उसके सिग्नल प्राप्त करते हैं। उसी सैटेलाइट का जो रीजनल चैनल है वो आपको देखने को मिलता है, लेकिन आपको एक दिक्कत हो सकता है, रात पे सिग्नल मिलता है, कभी सुबह पे सिग्नल नहीं मिलता है, या सुबह पे मिलता है तो रात पे नहीं मिलता है। ऐसी प्रॉब्लम हर किसी को होता है, लेकिन वहाँ पे अगर आप अच्छी क्वालिटी के क्यूब एंड एल एन बी लगाएंगे तो आपको सिग्नल थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। और नहीं तो आपके पास जो डिश है उसकी क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है, आप डी डी फ्री डिश भी ट्रैक करते हो तो भी आपको सिग्नल अप डाउन होता है, और किसी भी सैटेलाइट पे आपके सिग्नल अप डाउन हो रहा है तो आप एक बार हमारे यहाँ पे जो एल एन बी है वो लगा के आप देख सकते हो, आपको शायद अच्छा क्वालिटी के सिग्नल प्राप्त हो जाए। खास करके सबसे पहले मैं एक एल एन बी की बात करूँगा, वो है गाइस ये एल एन बी WNC, पीछे यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये एल एन बी हम बहुत दिनों से यूज़ कर रहे हैं, इसकी जो पैकेजिंग था वो नहीं है अभी, बहुत सालों से हम इसको यूज़ कर रहे हैं। इसके सिग्नल अच्छा है, लगभग आपको सारी सैटेलाइट इस एल एन बी पे ट्रैक होता है। ये ब्रांडेड एल एन बी यहाँ पे आपको 2 पोर्ट मिलता है। अगर आप डी डी फी डिश यूज़ कर रहे हो, डी डी फी डिश आप 2 सेटअप से चलाएंगे या डी डी फी डिश के साथ आप डिश टी वी चलाएंगे तब ये एल एन बी आपको काम पर आ जाएगा, क्योंकि एक यहाँ पे जो 2 आउटपुट है दोनों से ही आपकी 93-95 डिग्री का जो सिग्नल है वो प्राप्त हो जाता है, वो यहाँ पे आपको एल एन बी इनपुट यहाँ पे हो जाएगा। ओके, तो इसलिए अगर आप डिश टी वी चला रहे हो तो आप एक पॉइंट पे डिश टी वी का केबल आप यहाँ पे सेट करोगे और दूसरे पॉइंट पे आप डी डी फी डिश का पॉइंट आप यहाँ पे सेट करोगे, तो ये एल एन बी बहुत काम इसलिए आता है और इसके सिग्नल भी बहुत अच्छा है, आपको देखने को मिलेगा 4K। ओके, अल्ट्रा एच डी 4K एल एन बी है, तो यहाँ पे हाई गेन आपको प्राप्त होता है, सिग्नल बहुत अच्छा मिलता है। ओके, और एक साथ आप 2 सेटअप बॉक्स इस एल एन बी से चला सकते हो। एक बार मैं फिर से आपको दिखा दूँ, ये पीछे ये खोल जाता है, आप लगाने के बाद इसको ऐसे खोल देंगे तो आपको इसके अंदर पानी या कुछ भी नहीं जाएगा। ओके, ये प्रोटेक्ट करता है आपकी एल एन बी जो पॉइंट है उसको, और ये अंदर भी ऐसे जाता है। ये हो गया डबल, और ये सिंगल एक बहुत बेटर एल एन बी है जिसके द्वारा आप सारी सैटेलाइट क्यूब एंड सैटेलाइट इसके द्वारा। और शार्प का सबसे पुराना एक मॉडल है गाइस, ये शार्प का भी इस पुराना मॉडल है जिसपे आपको बहुत अच्छे सिग्नल मिलता है, लेकिन आजकल डेट पे आप इसको मार्केट पे नहीं मिलेगा। ओके, बाकी दोनों जो हमने दिखाए ये आपको मिल जाएगा आसानी से, लेकिन ये एल एन बी आपको नहीं मिलेगा। ये शार्प का एल एन बी है, बहुत पुराना है, शार्प का नया एल एन बी आ गया है, इसके सिग्नल क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, बहुत सालों से ये चल रहा है, इसकी क्वालिटी अब हालत देख के आप समझ सकते हो, बहुत दिनों से ये चल रहा है। और एट लास्ट हम आपको एक एल एन बी के बारे में बताएंगे जिसके लिए ही ये वीडियो हम आपको चला रहे हैं गाइस। ये जितने भी एल एन बी है इसके फीड हैंड आपको ज़्यादा नहीं मिलता है, 30 mm 35 mm के आसपास मिलता है, लेकिन इस एल एन बी पे आपको इसके जो फीड हैंड होता है गाइस वो 40 mm तक आते हैं। अगर इन सारे जो हमने आपको एल एन बी दिखाए हैं उसको यूज़ करके भी आपको जो सिग्नल है वो फ्लक्चुएट हो रहा है तो आप इस एल एन बी को यूज़ कर सकते हो। ये एक बहुत ही अच्छा क्वालिटी के एल एन बी है, हमने यूज़ भी किया है, यूज़ करने के बाद हम इसके रिव्यू भी दे रहे हैं और आपको भी बता रहे हैं। ओके, तो गाइस ये एल एन बी 40 mm इसकी फीड ऑन है, तो फीड ऑन जिसकी बहुत अच्छा होगा उसकी सिग्नल कैच करने का समता बढ़ जाता है। इसके पीछे एक लोगो आपको देखने को मिलेगा जो बहुत अच्छा ब्रांडेड कंपनी की जो लोगो है वही है, और 1000 रुपये की जो एल एन बी आते हैं ना उसके आसपास आपको इस लोगो देखने को मिलेगा। ओके,
इन्वर्ट और जो एल एन बी है गाइस, ये सारी यहाँ पे जो मैंने एल एन बी दिखाया उससे बेटर है, क्योंकि जहाँ पे आपको सिंगल फ्लक्चुएट होता है, जैसे वीना सेट है, अगर थाईकॉम 8 पे आपको सिंगल फ्लक्चुएट होता है, लाओ सेट पे आपको फिर सिंगल फ्लक्चुएट होता है, तो आप इस एल एन बी को वहाँ पे आसानी से यूज़ कर सकते हो, आपको सिग्नल फ्लक्चुएट नहीं मिलेगा, सिग्नल प्रॉपर मिलेगा। ओके, तो हम इसके साथ आपकी प्राइस भी बता देते हैं। तो सबसे पहले जो डी डी फी डिश का एल एन बी अगर आप सबसे कम प्राइस पे लेना चाहते हो, तो लोकल जो शार्प की तरफ से आता है 120 रुपये का, 120 रुपीज़ के आसपास जो एल एन बी आता है, वो आप आसानी से ले सकते हो, सिग्नल आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक टिकते नहीं है। उसके बाद डबल कनेक्शन करना है तो आप ये ले सकते हो डिलोस का, या किसी भी ब्रांड का आता है। इस टाइप की जो एल एन बी है, इसकी प्राइस आपको 250 के आसपास आता है। ओके, 250 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे आते हैं। ओके, बाकी ये जो एल एन बी है गाइस, ये बहुत अच्छा सिग्नल देता है, इसकी प्राइस 150 रुपये है, 150 रुपीज़ प्लस। ओके, 160 भी आ सकता है, 70 भी आ सकता है इस एल एन बी, सिग्नल क्वालिटी अच्छा है। शार्प का ये एल एन बी मिलता नहीं है आजकल मार्केट पे, हम इसके प्राइस भी नहीं जानते हैं, अभी बहुत साल पुराना है, 5-10 साल पुराना है ये एल एन बी, 10 साल मिनिमम 10 साल पुराना है ये एल एन बी। और ये जो इन्वर्टो एल एन बी है गाइस, ये आज की डेट पे कम प्राइस पे सबसे बेटर एल एन बी यही है, 220 रुपीज़ के आसपास आपको मिल जाएगा, और मिल गया तो आप ले लीजिए, भरोसा रखिए, यहाँ पे आपको सिग्नल मिलेगा। किसी भी पे डी डी एस पे आप यूज़ कर सकते हो, किसी भी फेड डिश या कहीं से भी आप यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आपको लगे आपकी जो सिग्नल है प्रॉपर नहीं है, या बारिश के टाइम पे आपकी सिग्नल फ्लक्चुएट हो रहा है, तो आप ये एल एन बी आसानी से यूज़ कर सकते हो। 40 mm इसकी फीड ऑन है, आपको सिग्नल प्रॉपर मिलेगा, प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा है बाकी एल एन बी से। इस ब्रांड की जो और अच्छा एल एन बी आता है, उसकी प्राइस लगभग 1000 रुपये के आसपास जाते हैं। ओके, उसी हिसाब से ये बहुत सस्ता है और बहुत ही अच्छा क्वालिटी की एल एन बी है, हमने यूज़ भी कर लिया, यूज़ करने के बाद आपको हम रिव्यू दे रहे हैं। तो गाइस, इस एल एन बी अगर आप यूज़ करने के बाद आपको पसंद आ गया, तो ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा, हमें बताइएगा, और आपको इस वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और कुछ बाकी रहेगा तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम आपको रिव्यू दे देंगे। थैंक यू।